आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत बूंदी में आयोजित प्रदर्शनी आज संपन्न हुई। इस अवसर पर यहां विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक अशोक डोगरा ने बताया कि प्रदर्शनी में आजादी के बाद से भारत की विकास यात्रा को जानने के लिए युवाओं ने विशेष उत्साह दिखाया। समापन कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। ये अच्छा प्रयास है। इसमें क्या है कि अभी आने वाली जो नई जनरेशन आ रही है, वो भारत में आज़ादी कैसे मिली, कितने लोगों ने गोली खाई, कितने लोग फांसी पे लटके, इन सब का है। अभी 1857 से शुरू होकर और 1947 जब तक वो आज़ादी मिली, तब तक का पूरा वर्णन दिया गया। आने वाले बच्चों को भी इसका पता लगे कि किस तरह आज़ादी मिली है, तो उसकी उनकी जानकारी बढ़ेगी। तो अच्छा प्रयास। भारत सरकार की बहुत ही सराहनीय और ज्ञानवर्धक पहल है, और इस प्रकार की एक्टिविटी करने से न केवल जो हमारी प्रोजेनी जो भविष्य के नीति निर्धारक हैं उनको, सभी हमारे देश के गौरवशाली इतिहास का जानकारी प्राप्त होगी, और ये मैं इस प्रकार की पहल का स्वागत करता हूँ।